हाउसकीपिंग नहीं 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 उधर 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 करो उधर मत करो अपने अपने कॉल अपने बस बस रुक जा भाई भाई रुक जा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। जानिए क्या होता है बड़े बड़े होटल्स में। अगर आप फैमिली या कपल के साथ होटल में जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों जब कभी भी शहर से बाहर जाने की बात होती है, फिर चाहे वो किसी बढ़िया हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाना हो या फिर किसी ऑफिशियल काम से जाना हो, हमारा सबसे पहला काम अपने रहने का ठिकाना ढूंढने का होता है, जिसके लिए हम अक्सर होटल में कमरा बुक करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कमरे के लिए अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की चाहिए होंगी, कि कमरा साफ हो, उस होटल का स्टाफ अच्छा हो, होटल में सारी सुविधाएं मिले। लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता कि साफ सुथरे के दिखावे के पीछे क्या राज छुपा है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप होटल में कमरा बुक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि होटल में साफ सफाई के नाम पर हमारे साथ धोखा होता है, क्योंकि होटल में काम करने वाली एक स्टाफ मेंबर ने न्यूज़पेपर में दिए अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि होटल के रूम में रखे ग्लासेस को कभी भी अच्छी तरह से नहीं धोया जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ एक बार कपड़े से साफ कर दिया जाता है। कई होटल में तो ग्लासेस को चमकाने के लिए फर्नीचर पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई हाउसकीपर ग्राहक से टिप न मिलने पर अपना गुस्सा निकालने के लिए टॉयलेट से ग्लास को पोंछते हैं और फिर उन्हें कपड़े से साफ करते हैं। अब आप ही समझ जाइए कि कितना बड़ा झोलजाल आपके साथ होता है। इसलिए किसी भी होटल में जाएं, या तो बोतल से पानी पिएं या फिर प्लास्टिक के ग्लास हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आपके साथ इस तरह का धोखा ना हो। और अगर बोतल होटल से मंगवाई गई है तो पानी पीने से पहले उसके सील को अच्छी तरह से चेक कर लें। अब अगर हम कमरे की बात करें तो दोस्तों होटल का कमरा दिखने में भले ही साफ हो, लेकिन असल में वो ऐसा होता नहीं है। हर साल होटल के एक कमरे में कम से कम 100 से ज्यादा लोग रुकते होंगे। अब वो कमरे में क्या क्या करते हैं ये तो कोई नहीं जानता, पर अगर आपको ऐसा लगता है तो बिस्तर पर मौजूद बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह साफ होती है तो फिर ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इन्हें साल में 1 या फिर 2 बार साफ किया जाता है, और इसमें से बदबू ना आए उसके लिए इनमें स्प्रे छिड़क दिया जाता है, जिससे आपको लगता है कि सब कुछ साफ सुथरा है, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। अब अगर आप किसी बढ़िया होटल में रूम बुक कर रहे हैं और उसमें मौजूद फ्रिज में पानी, जूस, बियर के साथ साथ कई सारी चीजें मौजूद होती हैं, वैसे तो कई होटल में इन चीजों के पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन बेहतर होगा आप इनका इस्तेमाल करने से पहले एक बार होटल स्टाफ से पूछ लें, क्योंकि कई बार इस्तेमाल करने के बाद आपसे इन चीजों का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। और हाँ दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखें, होटल के कमरे में जितने भी पानी की बोतल लें उनकी सील एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार तो नल के पानी को बोतल में भरकर रख दिया जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता। अब दोस्तों अगर आप कोई होटल बुक करवा रहे हैं और आपको पता चलता है उस होटल के रूम में किसी ने आत्महत्या की थी, तो उस रूम को तो छोड़ ही दीजिए। जिस होटल में हादसा हुआ है उस होटल में किसी भी प्रकार का रूम बुक करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। कई सारे नामी गिरामी होटल में काम करने वाले पुराने वर्कर्स के द्वारा ये पता चला है कि इस तरह की घटना को कोई भी होटल किसी कस्टमर को नहीं बताता। असल में होटल रूम के अंदर किसी की मौत होना कोई बड़ी बात नहीं है, अधिकतर लोग तो आत्महत्या जैसी चीजें करते हैं और कई बार होटल रूम में मर्डर भी होते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां खतरनाक बीमारी से जूझ रहे लोग ट्रैवल के दौरान दूसरे शहर आते हैं और होटल रूम में ही अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं को जितना ज्यादा हो सके उतना दबा दिया जाता है और आगे आने वाले किसी भी कस्टमर के सामने इसका जिक्र भी नहीं होता, ताकि कस्टमर होटल रूम लेने से मना ना कर दे। दोस्तों होटल में हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जी काटते वक्त किसी कर्मचारी की उंगली कट जाए या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त कोई गिर जाए या किसी और कारण से होटल में मौत हो जाए, इस तरह की कोई भी खबर मीडिया में नहीं आती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह की घटना फलाना होटल में हुई। कोई भी होटल अपनी जानकारी किसी भी बाहर वाले को नहीं देता। ऐसे में अगर आप कभी भी होटल बुक करने जाएं, तो ये सुनिश्चित कर ले ये सारी चीजें ठीक है या नहीं। होटल वाले हमेशा चाहते हैं कि उनके होटल की जितनी भी खुफिया चीजें हैं वो बाकी लोगों तक ना पहुंचे,
जिसकी वजह से वो पुलिस वालों के साथ अच्छा तालमेल बैठा कर रखते हैं। कई होटल में तो आग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी चीजें भी नहीं होती, पर फिर भी पुलिस उन्हें अनदेखा कर देती है, क्योंकि पुलिस को सिर्फ गांधी जी के नोटों से मतलब है। बाकी होटल के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, इससे पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। और इसी घुसखोरी का फायदा उठाकर कई होटल वाले अपने होटल में वेश्यावृत्ति भी करवाते हैं। जी हाँ, कई होटल ऐसे हैं जहाँ कुछ घंटे के लिए कमरे बुकिंग पर रखते हैं, और कई बार तो होटल वाले खुद ही लड़कियां सप्लाई करते हैं। बस जैसे ही होटल के अंदर कोई अकेला इंसान अपने ऑफिशियल काम से आता है, ये उससे किसी न किसी तरीके से उसकी इच्छाएं पूछते हैं, और अगर वो बंदा मान जाए तो उसके साथ डील फाइनल करके उसके रूम में लड़कियों को भेज दिया जाता है। और पुलिस वाले इन सारी चीजों के बारे में जानने के बावजूद अनजान रहते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि जिन कमरों को इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं कमरों को बाद में नॉर्मल कस्टमर्स को भी दे दिया जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ की रेपुटेशन कैसी है और वहाँ किस किस तरह की चीजें हो रही है, वरना आप लंबा फंस सकते हैं। होटल में खाने वगैरह पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ मिलने वाले वेजिटेरियन चीजों के अंदर भी नॉन वेजिटेरियन मसाले और चीजें डाल दी जाती है, ताकि कम लागत में बढ़िया मुनाफा कमाया जा सके। और इससे बचने के लिए आपको बढ़िया होटल ढूंढने की जरूरत है। बाकी हम अपनी पिछली वीडियोज में आपको ये बता ही चुके हैं कि किस तरह आप होटल के रूम में लगे कैमरों को ढूंढ कर अपना बचाव कर सकते हैं, उसे देखना मत भूलना। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।